तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना बनाऊं, और कंबल से निकलने का मन नहीं करा, पर क्या करें, निकलना पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा। यहाँ मम्मी भी बोल रही थी कि उठो, शाम हो चुकी है, खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ देखिए, मैंने ले लिया मशरूम, रखी थी और भी सब्जियाँ, तो फिर मैंने सोचा कि आज मशरूम ही बना लिया जाए। और मटर, मैंने पन्नी खोल के नहीं देखी थी, और फ्रेंड्स मेरी मटर में थोड़ी हवा नहीं लग पाई तो मेरी मटर थोड़ी सी मुरझाई सी हो गई थी। और यहाँ देखते हैं आज कितनी मटर सही निकलती है और कितनी सही नहीं निकलती है, क्योंकि पन्नी मैं खोलना भूल गई थी कल मटर आई थी जब। यहाँ देखिए कैसी हो रही है मटर, तब भी सही निकलेंगे दाने, देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ मटर छीलने के लिए, साथ में मम्मी भी बैठ गई है मेरे, हम दोनों लोग अब मटर छील लेंगे और मटर मशरूम की सब्जी मैं आज बनाऊंगी खाने में। यहाँ देखिए मटर अच्छे दाने निकल आए थे और मशरूम ले लिया मैंने, मस्त सब्जी। बस फटाफट स्टार्ट कर दूंगी इसको बनाना। अब यहाँ काट लेती हूँ मैं प्याज और दो टुकड़ों में काट लूँगी मशरूम। मशरूम बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ा जल्दी ही बन जाता है, तो मैंने सोचा था आज मशरूम ही बनाऊँगी। कढ़ाई रख दी गैस पे, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डाल दिया मैंने कटे हुए मशरूम। और मशरूम देखिए अच्छे से भुन चुके हैं, थोड़े काले हो जाते हैं क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, लेकिन खाने में टेस्टी बनते हैं। और आज फटाफट कुकर में बनाऊंगी मैं मशरूम की सब्जी। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा तेल, दो तेज़पत्ता डाल दिए हैं, और अब डाल दूंगी मैं प्याज और कटी हुई दो हरी मिर्च डाल दिए मैंने इसमें, अदरक का और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और टमाटर डाल दूंगी। अच्छे से ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी, फिर उसके बाद में डालूंगी हल्दी, मिर्च, मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ देखिए मटर मशरूम कितना देखने में अच्छा लग रहा है, और मेरा मसाला बिल्कुल लाल हो गया है, इसके आगे चिकन मटन सब चीज़ फेल है। यहाँ देख सकते हैं आप मसाला कितना अच्छा कलर दे रहा है, और जब ये मशरूम बनने के बाद तैयार होगा तो ये और भी टेस्टी लगेगा और बहुत ही जल्दी कुकर में बनके हो जाएगा तैयार। फ्रेंड्स, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बड़ा ही अच्छा लगता है। मसाला बिल्कुल लाल हो चुका है, भुन चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर और मशरूम। यहाँ देखिए मटर मशरूम को अच्छे से मसाले में मिला लूँगी और खूब देर तक भूंज लूँगी मैं इसको। बस अब इसमें थोड़ा सा लगा दूँगी पानी में, और लगा दूँगी अब फटाफट कुकर का ढक्कन, और दो सीटी इसमें सिर्फ लगाऊँगी मैं। बस दो सीटी लगने के बाद मशरूम बिल्कुल बनके हो जाएगा तैयार। मैं आपको दिखाती हूँ मशरूम कितना अच्छा रेडी हो गया है बनके, गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी के साथ। और अब इसमें डाल दूंगी मैं हरे धनिए की पत्ती, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। साथ में सेक रही हूँ मैं मेथी पड़ी हुई रोटियाँ, जो कि बड़ी ही स्वाद लगती हैं। और यहाँ मशरूम मटर तैयार हो चुका है, साथ में गर्मा गर्म रोटी, चावल, आम का अचार और साथ में सलाद। हम दोनों लोगों ने तो खाना स्टार्ट कर दिया है और बड़ा ही स्वाद लगा है। फटाफट मशरूम मटर की सब्जी बनके हो गई है तैयार। और अगर आपको ये सब्जी मतलब बनानी है झटपट, तो कुकर में बनाएं, बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में भी बहुत ही स्वाद लगती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वे बड़ी ही मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।